हम महसूस कर पा रहे हैं इस बदलते दौर को, उस बदलते दौर में बदलती हमारी प्राथमिकताओं को। तो ये कहानी है कि किस तरीके से एक नारी खुद को बदलती है अपनी बदलती प्राथमिकताओं के साथ, जो शायद थोड़ी उलझी है और कभी कभी असमंजस में भी रहती है। अपने लिए एक रास्ता बना, दायरों को पार कर खुद का घर, जो कुछ भी हो सकता है, बना ही लेती है। मैं नारी जिसके कई रूप हैं, कई रंग भी, कई किस्से हैं और कई कहानियाँ भी। जज्बात मेरे भी हैं और उनकी आवाज़ भी। कई किस्सों में बदला तूने कई हिस्सों में बांटा है। मेरे हर हिस्से में रूह थी और हर किस्से में बदलाव आता है। तू चुन रहा है मेरे रास्ते। हाथ नहीं था कोई थामे, मैं निकल पड़ी यूं ही गुमराही सी, लेकर खुद का साथ, थामे खुद का हाथ। मैं नारी। थैंक यू। जाना मैंने और माना भी, सुनाया तूने, मैंने सुना भी, बट नो मोर एक्सक्यूज, बिकॉज वी आर आज की नारी जिसे जवाब देना भी आता है और खुद के लिए खड़ा होना भी। हम बॉक्सिंग भी जानते हैं और गाली भी। हमें आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है, मगर हमारी भी। हम आपको समझते हैं मगर खुद को भी। हम खुद को जानते भी हैं और मानते भी, बिकॉज वी आर आज की नारी। पता है हमने सुकून को कब महसूस किया है? जब आपकी मुस्कान में अभिमान और आँखों में हमारे दर्पण का भी मान देखा है, बिकॉज वी आर आज की नारी। अभी रानी, हवा की गूंज ज़्यादा है आज, उसकी कम। आँखों में परछाई लिए उसकी आईने में सिर्फ मैं हूँ और आँखें नम। नशे में मैं हूँ आज, वो होता तो शायद मैं नहीं, वो तो चलता है बेफिक्र, फिक्र का ठेका तो मेरा है, वो कहाँ मधोस मधुशाला का फेरा तो मेरा है। वो उड़ने की बातें करता है, मेरे पंखों में तो जंग सा कुछ अटका है। मैं उड़ूं तो कई दफ़ा दौड़कर हाथ मेरा झटका है। मैं खुश हूँ इस गूंज भरे सन्नाटे में, कई दफ़ा आँखों का नम होना भी अच्छा है। थैंक यू सो मच।